हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कक्षा 1 का पाठ 18 पढ़ेंगे। कितनी प्यारी दुनिया, कितनी प्यारी है ये दुनिया, हिंदी सारंगी का। तो मिलकर पढ़िए, चलिए तो हम लोग मिलकर पढ़ते हैं। कितनी प्यारी है ये दुनिया, क्या टाइटल है, क्या नाम है पाठ का, कितनी प्यारी है ये दुनिया। अब किस कैसे प्यारी है, क्या पोयम है, चलिए हम लोग पोयम देखेंगे। पहले कविता देखेंगे इसमें। अच्छा, कविता नहीं है इसमें, कहानी है। चलिए, मुझे हवा प्यारी लगती है, ये बोल रही है जो बच्ची आपको दिख रही है ना, कह रही है मुझे हवा प्यारी। रीडिंग भी कीजिएगा मेरे साथ साथ, बुक सामने खोल के रखिए, पेन हाथ में पकड़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बुक और पेन आपके पास होना चाहिए। रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए, मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। मुझे हवा प्यारी लगती है और सूरज और बारिश भी। ये क्या बोल रही है, मुझे हवा और सूरज और बारिश प्यारे लगते। बताओ आपको अच्छे लगते हैं या नहीं। अच्छा लगता है ना जब ठंडी ठंडी हवा चलती है। अगेन ये बोल रही है, मुझे धरती प्यारी लगती है। अब ये धरती कैसे इसे प्यारी लगती है, और समुद्र और आसमान क्या प्यारा लगता है इसे। मुझे धरती प्यारी लगती है और समुद्र और आसमान। इसे धरती भी प्यारी लगती है, ये समुद्र भी प्यारा लगता है, ऊपर ये आसमान भी प्यारा लगता है इसको। मुझे चिड़िया प्यारी लगती है और जानवर और मछलियाँ भी। देखिए मछलियों के पास बैठी है, जानवर में कैट दिखाया गया है और चिड़िया, तो इसे चिड़िया भी प्यारी लगती है, जानवर भी है और मछलियां भी। आपको क्या प्यारा लगता है आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आगे बोलती है ये बच्ची, मुझे फूल प्यारे लगते हैं और फल भी। फूल और फल दोनों इसको प्यारे लगते हैं। मुझे अपनी किताबें अच्छी लगती हैं और अपने कपड़े, अपने खिलौने भी। यो कह रही है, मुझे अपनी किताबें भी अच्छी लगती है, मुझे अपने खिलौने भी अच्छे लगते हैं। मुझे माँ और बापू प्यारे लगते हैं और भाई बहन भी। इसके भाई बहन है ना, तो इसके माँ बापू और माँ भी प्यारे लगते हैं और भाई बहन भी। मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है, क्या लगता है इसे, सारी दुनिया प्यारी लगती है। ये किसने लिखी है, जयंती मनुकरण ने। जयंती मनुकरण इसके बेटा कवि हैं, तो इन्होंने ये लिखी है। अब इसे सारी दुनिया प्यारी लगती है, आपको क्या प्यारा लगता है आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये थी हमारी इस चैप्टर की रीडिंग, छोटी सी रीडिंग थी, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। चलिए हम लोग अब इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर जो भी है एक्सरसाइज, वो हम सब इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला है बातचीत के लिए, तो हमें बातचीत करना है इसमें, चलिए करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है इसमें, आपको इनमें से क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों। अब देखिए आपको बताना, आपको हवा अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि वो आपको चलती है तो गर्मी नहीं लगने देती, या ठंडी ठंडी हवा तो क्यों अच्छी लगती है, हर चीज का बताना है। बारिश अच्छी लगती है तो क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो हम उसमें कागज की नाव बना कर चलाते हैं, उसमें भीगना अच्छा लगता है। ऐसे जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लोग बता सकते हैं। फूल अच्छे लगते हैं, फू नहीं सॉरी फल अच्छे लगते हैं, फूल अच्छे लगते हैं, खिलौने अच्छे लगते हैं, धरती अच्छी लगती। जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है उसके जवाब बताइएगा। आगे है सेकंड प्रश्न, इसके अतिरिक्त आपको क्या अच्छा लगता है। इसमें बोला है, इसके अतिरिक्त आपको क्या अच्छा लगता है, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। अच्छा देखिए बेटा, पोयम में आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, कि वो बच्ची बता रही थी कि हमको फूल अच्छे लगते, फल अच्छे लगते। अब ये बोल रहे हैं आपको इसके अलावा क्या अच्छा लगता है, तो आपको ये लाइन पूरी करनी है। जैसे मुझे अच्छे लगते हैं, तो क्या अच्छे लगते हैं मुझे, आप जरा बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है। फूल, फल, आसमान, बादल, सब कुछ इसने बताया है, माँ बाप, तो आपको क्या अच्छा लगता है। वैसे आप लोगों को तो
मोबाइल और टीवी देखना खेलना यही पसंद होगा, लेकिन हम इसमें लिख सकते हैं मुझे अच्छे लगते हैं पेड़ पौधे। क्या अच्छे लगते हैं? जो भी आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे पेड़ और पौधे, इसका कोई बेटा पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा कि नहीं यही होगा, इसमें तो पूछा गया है आपसे आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप लोग कुछ भी अपनी मर्जी से बता सकते हैं, जो इस पोयम में ना हो वो बताना है। अपने मित्रों से भी पूछिए कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, आप अपने मित्रों से भी पूछिए। आप कहानी में आए प्यारी शब्द पर गोला लगाइए और लिखिए। अच्छा, कहानी में जितनी भी बार प्यारी आया है ना, हमें उस पर गोला लगाना है और फिर यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग स्टार्टिंग में चलते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं कि कितनी बार प्यारी आया है। तो पहली लाइन में मुझे हवा प्यारी लगती, ये इस तरह से गोला लगाया। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर भी है मुझे धरती प्यारी लगती। चलिए आगे है मुझे चिड़िया प्यारी लगती, मुझे फूल प्यारे। देखिए हमें प्यारी पे गोला लगाना है, प्यारे पे नहीं लगाना है, यहाँ प्यारे है उसने बोला है बेटा प्यारी पे लगाना है, तो हम सिर्फ प्यारी पे लगाएंगे। और कहीं है, और कहीं ये रही, हाँ मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती। अब हमें क्या करना है, गोला लगा लिया, अब आगे क्या बोल रहे हैं, इसी तरह से प्यारी शब्द को यहाँ पे लिखना है। लिखे लिख देते हैं ऐसे, आइए आधा पा बनता है, जो पापती होती है ना पढ़ते हो बेटा वर्णमाला में पापती, वो आधा बनता है सिर्फ इतना, ये जो लाइन होती है ये नहीं बनती है, सिर्फ इतना ही बनता है। तो इसमें ये इतना हो गया, फिर लिखेंगे हम प्यारी, तो ये या फिर री, तो हो गया प्यारी। इस तरह से ये आधा जो शब्द है, इस वजह से आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, हो गया प्यारी। अब हम आगे देखते हैं क्या है, अपने शिक्षक की शब्दों का खेल, क्या है, शब्दों का खेल है। अब हम लोग शब्दों का खेल खेलेंगे। अपनी शिक्षक की सहायता से नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए, पहली ध्वनि पहचानिए। अच्छा ठीक है, हमें नीचे जो दिए गए शब्द है ना उनको पढ़ना है, चलिए कोशिश करते हैं। पहला क्या है, धा, धा धनुष है ना, तो धा, पहले ये क्या बना है, ये तो फिगर तो आप पहचान सकते नहीं, धनुष है। अब हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, धा नु शु, ये क्या है, फूल, इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, फूल। क्या कर रहे बच्चे, खेल रहे, तो ये हो गया खेल। ये क्या है, फल, तो ये हो गया फल। ये क्या है, खिलौने, तो हो गया खिलौना। का खा फा और दा की ध्वनिया वाले अन्य शब्द बताइए, ये ध्वनिया शब्द में कहीं भी हो सकती हैं। अच्छा, अब आपको ना जो खा से हो, फा से हो या दा से हो, ऐसी ध्वनिया वाले शब्द बताइए, जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में ही हो, वो शब्द कहीं पर भी हो सकते हैं। जैसे हमने लिखा खा से खरगोश, खरगोश, देखिए इसमें खा आ रहा है ना यहाँ पे। अब हमें फा वाला देखना है, इसमें फा आना चाहिए, कहीं पर भी आए, बीच में आए, आगे आए, पीछे आए, कहीं पर भी आए मगर आए। जरा सोच के बताइए कहाँ पर आएगा फा। फा से क्या क्या शब्द बनते हैं, बहुत शब्द बनते हैं, फालतू ही बनता है, एक फालतू का शब्द, कि आप फालतू क्यों बैठे हो, चलिए ये काम कर लीजिए। और क्या बनता है फा से, और धा धनुष से, हाँ धा धनुष से भी बताना है। अगर नीचे एक सेकंड देख ले क्या नीचे लिखना है, अच्छा लिखना नहीं है नीचे, सिर्फ आपको बताना है, तो बताइए कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। चलिए अब आप लोग फा से, दा से, खा से, ये शब्द आप कॉपी में लिखने को अगर मैडम बोले कि लिखवाए जाए तो आप लोग लिख सकते हैं, नहीं लिखने के लिए तो नहीं लिख सकते। जैसे मैंने आपको बता देना था अभी कि खरगोश हो सकता है, फा से आप फरवरी लिख सकते हैं, बीच में भी ये शब्द आ सकते हैं, धा से ध्यान लिख सकते हैं, आधा धा आएगा इसमें, या आएगा ना आएगा ध्यान, और भी बना सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, तो कई सारे इसमें शब्द बन सकते हैं। आप अपना दिमाग लगाइए और शब्द बनाइएगा। आगे है चित्र और बातचीत, अब इसमें आपको चित्र देखना है और बताना है इस चित्र में क्या क्या है।
जैसे है हरी भरी दुनिया, तो ये क्या है, हरी भरी दुनिया है। अब इसमें क्या क्या है, कौन कौन है इसमें, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कि कोई चिड़िया है तो क्या कर रही है, खरगोश है तो क्या कर रहा है। चलिए अब हम लोग इस पर बातचीत कर लेते हैं। इतना ही चित्र है, हरी भरी दुनिया। सोचो ये दुनिया आपके आसपास हो, इस तरह से तोता बैठे हो। अच्छा मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ। ये क्या है, ये घोड़ा है, ये शायद कोई जानवर है, सो रहा है। क्लियरली दिख नहीं रहा, लोमड़ी है क्या है दिख नहीं रहा, या बिल्ली है क्या है। ये देखिए बगुला उड़ रहा है, ये भैंस, और ये नीचे है मोर, ये मोर और ये मोर के बच्चे, और ये नीचे खरगोश दौड़ लगा रहा है, और ये बत्तख इसमें क्या कर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं, और ये मुर्गी पास में बैठी है। देखिए ये बत्तख, ये मुर्गी और इसके बच्चे चूजे, और इसके बच्चे दो के पीले पीले कलर के, जैसे ना कि चोंच में अंतर, जो मैंने उसको पढ़ाया था ना बरखा और मेघा, उसमें बताया था इनमें जो चोंच होती है ना उनमें कितना अंतर होता है, वो पैर जो होते हैं उसमें अंतर पड़ता है, जिससे इनके पैर इस तरह से होते हैं ना कि ये तैर लेते हैं, और इनके पैर इस तरह से नहीं होते कि तोहर तैर पाए। और क्या है इस चित्र में, हाँ यहाँ पे देखिए और खरगोश बैठे हैं, ये इसी तरह से, ये इस तरह से हरी भरी दुनिया आपको देखनी है। और इसमें ये देखना है जितने भी पक्षी हैं, जानवर हैं, उनके नाम आप जानते हो या नहीं जानते हो, और अगर जानते हो तो आप लिखना भी जानते हो। आप देखिए इसमें ना, जैसे ये है बगुला, हाँ भैंस के ऊपर या गाय के ऊपर मान लीजिए ये बैठा है, मगर इस भैंस को ऐतराज़ क्यों नहीं हो रहा कि ये मेरे पीठ पे क्यों बैठा, हटा हुआ ऐसे उड़ जाए, ये नहीं है ना, इसका मतलब ये दोस्त बन गए हैं, क्या बन गए हैं, मित्र बन गए हैं। चलिए और क्या है, देखिए कोई और ऐसी बात जो आपको बहुत हंसी आ रही हो इसमें, या बहुत अच्छा लग रहा हो कुछ देख के, कुछ है ऐसा। हाँ देखिए यहाँ पे एक खरगोश है, वो क्या कर रहा है, पेड़ के पीछे छुपा है, और इधर एक ये बच्चा भी, इसके मुर्गी का बच्चा छुपा है, दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी खरगोश नहीं देख पा रहा ना कि ये कहाँ छुपा है, क्योंकि वो तो इतना छोटा है, खरगोश बड़ा है, फिर भी नहीं देख पा रहा है, छुप गया। और क्या है, ये देखो अकेला खेल रहा है, ये दौड़ लगा रहा है अकेले, कोई दौड़ है तुम्हारे पास लगाने वाला, नहीं है ना, फिर भी दौड़ लगाया जा रहा है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। चलिए इसी तरह से आपको चित्र देखना है, अपने मन में बता, मतलब अपने पेरेंट्स को सॉरी बताना है कि इसमें हमने चित्र में क्या देखा है, क्या है, कुछ अच्छा लगा आपको कि नहीं लगा, और भी बात, सारी बातें जो आपको चित्र में दिखाई दें। और चित्र से संबंधित इसमें पेरेंट्स या टीचर्स या फ्रेंड्स आपस में प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, कौन है, किस जानवर का नाम, इस तरह से प्रश्न बच्चों से कर सकते हैं। अब है चित्र पहचान कर नाम लिखिए, हमें चित्र पहचानना है और नाम लिखना है, तो ये कौन है, मोर है, तो इसमें हम मोर का नाम लिखेंगे। ये कौन है, तोता है, मिट्ठू मिट्ठू मैं करता, हरे रंग का मैं होता। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखना है, ये कौन है, खरगोश है, तो हम यहाँ खरगोश लिखेंगे। ये कौन है, घोड़ा, इस तरह से आपको इनके नाम लिखने हैं। अब है चित्र देखकर नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो चित्र में हमें क्या दिख रहा है, पहले चित्र देखकर नाम बताना है, ये गाय है, ये पेड़ है, लेकिन बहुत सारे पेड़ कहाँ होते हैं, देखिए काफ़ी सारे पेड़ है ना, तो ये वन हो गया, ये बारिश हो रही है, ये धनुष है। अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये हमने बोला गाय, तो पढ़िए गा ए, और ये क्या है, वन, तो वन, बारिश बारिश बोली हमने, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही लिखा है, तो क्या है, वर्षा, वर्षा, धनुष, धनुष, इन सब में क्या है, देखिए गाय, वन, वर्षा, धनुष, हमें ये पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए ये शब्द आपको दिए गए हैं। और इसमें सबसे सबसे क्या बात है, या दिया, वा दिया, इसमें वा, इसमें शा, ये इन शब्दों को पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है आपको, ये इसके और भी शब्द मिले तो पढ़िएगा आप लोग।
अच्छा नीचे चलते हैं। अच्छा चैप्टर फिनिश हो गया, चलिए चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और भी आगे पढ़ना चाहते हो क्लास थर्ड की या सेकंड की उसकी वीडियो पढ़े, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। आप लोग अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।